मित्रों, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि मनुष्य को जितना ज्यादा मिल जाए उतना ही कम है। और ये बात 16 आने सच भी है, क्योंकि हम मनुष्यों की इच्छाएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। कोई जीवन में धनवान होना चाहता है तो किसी को अच्छा पहनना और खाना पसंद होता है। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको 5 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी इच्छाएं पूरी करने में ही मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन इन स्त्रियों की इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती। तो आखिर कौन है ये 5 स्त्रियां और क्यों इनसे आज तक कोई भी बच नहीं पाया, यही जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मैं जिन 5 स्त्रियों की बात कर रहा हूँ वो हर मनुष्य के जीवन में होती है और इनसे न तो कोई बचा है और न ही आगे बच पाएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य की 5 इंद्रियों की, जिनकी इच्छाएं और लालसा पूरी करने में मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है आंखें। मित्रों, 5 स्त्रियों अर्थात इंद्रियों में सबसे पहले हमारी आंखें आती हैं, जो हमेशा अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं। ये हमारी आंखें ही तो होती हैं जो तपती गर्मी में कुल्लू मनाली की वादियां देखने की चाहत रखती हैं। और हम भी अपनी आंखों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए धन खर्च करके पहाड़ों की सैर पर या फिर किसी यात्रा पर निकल जाते हैं। दूसरी है जीभ। मित्रों, दूसरी स्त्री अर्थात इंद्री हमारी जीभ होती है, जिसकी इच्छाएं पूरी करना असंभव है। हम चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना खा ले, अगले दिन हमारी जीभ को फिर से कुछ न कुछ अच्छा खाने की इच्छा करेगी ही, और हमें भी भूख के चलते अपनी जीभ की इच्छाएं पूरी करनी ही पड़ती हैं। तीसरा है कान। तीसरी इंद्री जिससे कोई मनुष्य नहीं बच पाता वो है हमारे कान, जो हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं। तभी तो जब भी हम किसी से मिलते हैं उससे यही कहते हैं कि कुछ नया बताओ, क्योंकि हमारे कान पुरानी बातें नहीं सुनना चाहते। और हाँ, एक और बात कि किसी की बुराई सुनने में हमारे कानों को सबसे ज्यादा मजा आता है। चौथी है नाग। मित्रों, चौथी स्त्री यानी कि इंद्री जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया वो है हमारी नाग, जो हमेशा हमें कुछ अच्छा सूंघने के लिए परेशान करती है। ये नाक ही है जो हमें खुशबूदार भोजन और सुगंध वाले लोगों की ओर ले जाती है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना बना हो, अगर उसकी सुगंध अच्छी नहीं है तो वो हमें पसंद नहीं आता। इसके अलावा जो लोग हमेशा इत्र लगाकर रखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी खुशबू हमें उनकी ओर खींचती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारी नाक महारानी ही है, जिसे हमेशा कुछ अच्छा सूंघने की बीमारी है। तो मित्रों, अब बात करते हैं आखिरी लेकिन सबसे घातक इंद्री की, जिस पर काबू पाना कम ही मनुष्यों के बस की बात होती है और इसकी इच्छाएं पूरी करने में मनुष्य अपना पूरा जीवन तक लगा देता है, लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। पांचवी है त्वचा। मित्रों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी त्वचा अर्थात चमड़ी की, जो हमेशा विपरीत लिंग की इच्छा रखती है। स्त्रियों की त्वचा पुरुषों के लिए और पुरुषों की त्वचा हमेशा स्त्रियों के स्पर्श की कामना करती है, अर्थात ये मनुष्य की त्वचा या फिर चमड़ी ही है जो उसे भोगों की तरफ ले जाती है। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन इस सुख के पीछे भागने में ही निकल जाता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन 5 स्त्रियों की बात कर रहा हूँ जिनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए तो हमारे धर्म शास्त्रों में इन 5 इंद्रियों पर काबू पाने की बात लिखी गई है, और जो भी मनुष्य इन पर विजय पा लेता है वो एक ना एक दिन परमात्मा को भी पा लेता है। क्योंकि जब तक इन इच्छाओं से मन नहीं हटेगा तब तक मनुष्य का मन धर्म के रास्ते पर नहीं आएगा। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।